हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं डीएस सेल्विंग फॉर एवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी पुलिस में जो है कांस्टेबल पदों पे जो है 4000 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। पूरा फुल नोटिफिकेशन जो है आ चुका है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा किस प्रकार से आवेदन करना है, लास्ट डेट क्या है, अप्लीकेशन फी क्या है। यहाँ पे आप किसी भी राज्य से आते हैं, मेल हो या फीमेल, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो केवल अगर आप 10वीं पास हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और साथ ही साथ 12वीं पास तो भी अलग से वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के लाल वाले बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लें, ताकि मैं जैसे वीडियो लाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे आ जाना ऑफिशियली वेबसाइट पे, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड एमपी। ये जो एमपी का ऑफिशियली वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप आएंगे तो यहाँ पे लाइव अपडेट में यहाँ पे देख सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट में दिखा रहे एक ऑप्शन यहाँ पे, ऑनलाइन फॉर्म पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2020 एडवर्टाइजमेंट। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे एडवर्टाइजमेंट वाले पे, तो यहाँ पे जो इस प्रकार से आपको खुल के आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे विवरण, और उसके बाद से रूल बुक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन जो है 43 पेज का यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। और आसानी के लिए फ्रेंड्स, आपको जो है गूगल पे सर्च करना है डीएस हेल्पिंग फॉर एवर। आप जैसे ही गूगल पे जाके सर्च करेंगे इस प्रकार से जो है डीएस हेल्पिंग फॉर एवर डॉट कॉम की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी। मैंने यहाँ पे भी पोस्ट लिख दिया है आपकी आसानी के लिए। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने लेटेस्ट जॉब में आपको जो है यहाँ पे सरकारी जॉब वाले सेक्शन में एमपी पुलिस कांस्टेबल जीडी ऑनलाइन फॉर्म 2021 मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है डिटेल्स। आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं तो आसानी भाषा में भी पढ़ सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। ऑफिशियली वेबसाइट और नोटिफिकेशन भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए हम बात करेंगे यहाँ पे नोटिफिकेशन के माध्यम से। आप पढ़ना चाहते हैं जाके जो है dsservingforever.com से जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो फॉर्म फिलअप होगा, सबसे पहले देख सकते हैं 31/12/2020 से जो है ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ पे आवेदन तो 31 तारीख से होगा। मैं एक पार्टिकुलर वीडियो ला दूंगा किस प्रकार से फॉर्म को फिलअप करना है। उससे पहले आपको जो है कुछ टर्म कंडीशन जान लेना अति आवश्यक है। फॉर्म किस प्रकार से जो है आवेदन होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेंगे, लास्ट डेट क्या रहेगा, अप्लीकेशन फी क्या रहेगा, एज क्या रहनी चाहिए, हाइट क्या रहनी चाहिए, मतलब ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको जानना अति आवश्यक है। तो लास्ट डेट यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बताया गया अंतिम तिथि 14 जनवरी 2021, यानी बहुत ही कम समय रखा गया, 14 से 15 दिन के अंदर आपको फॉर्म को फिलअप करना है। यहाँ पे परीक्षा का भी डेट जो है 6 मार्च 2021 रख दिया गया है। अब हम बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फी, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो यहाँ पे कितने रुपए एप्लीकेशन फी लगेगा, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है अगर आप 2 प्रश्न पत्र के लिए आवेदन करेंगे तो 700 रुपए लगेगा, विभागीय शुल्क 100 रुपया प्लस 8, मतलब टोटल जो यहाँ पे 800 रुपया आपको एप्लीकेशन फी देना होगा। एक प्रश्न पत्र के लिए अगर आप आवेदन करते हैं यहाँ पे आपको 600 रुपए लगेगा। मैं अभी बताऊंगा प्रथम क्या है और द्वितीय क्या है, ठीक है। उसके बाद अगर आप एमपी से हैं, देखिए एमपी से बताया गया एमपी के मूल निवासी हैं, तो आपको यहाँ पे जो है 400 रुपये एप्लीकेशन फी लगेगा, और एक प्रश्न पत्र के लिए यहाँ पे 300 रुपये लगेगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फी आप देख सकते हैं बताया गया है। अब यहाँ पे बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम डेट भी पहले यहाँ पे घोषित कर दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे 6 मार्च 2021 को जो है एग्जाम आपका प्रारंभ हो जाएगा प्रथम पाली में, ये टाइमिंग दिया है, द्वितीय पाली में। मैं अभी बताऊंगा कि आपको जो एग्जामिनेशन कहाँ पे लिया जाएगा, मतलब जो है एग्जाम सेंटर कहाँ रखेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ और जानकारी बताई गई, टिप्पणी या नोट्स जो बताया गया कि आपके पास आधार कार्ड आवश्यक रहना चाहिए और उस पर जो है वेरिफिकेशन करके आपका फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। मतलब ये कि आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी जो आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो जिनके पास आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, वह भी जो है लिंक करवा ले, क्योंकि 31 तारीख से जो है फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने वाला है। और भी बहुत सारी जानकारी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे बताया गया फ्रेंड्स कि यहाँ पे कितने वैकेंसी है अलग अलग कैटेगरी वाइज, और यहाँ पे 2 प्रकार की वैकेंसी है। पहला है यहाँ पे कांस्टेबल रेडियो, देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि टोटल यहाँ पे 138 पोस्ट है, और अदर देन रेडियो मतलब कांस्टेबल जीडी। तो यहाँ पे जो मैंने आपको ऊपर में बताया कि प्रथम प्रश्न पत्र के लिए इतना रुपए लगेगा, द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए इतना रुपए लगेगा, तो अगर आप दोनों आवेदन करेंगे तो थोड़ा सा आपको छूट मिलेगी, अन्यथा आप चाहें तो एक पे भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, एक के लिए अलग सा फीस देना पड़ेगा, दोनों करेंगे तो एक साथ भी आप दोनों आवेदन कर सकते हैं। जो कि टोटल यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट का नाम बताया गया है 138 + 38 = 4000, मतलब आपको जो है 4000 टोटल सीटों की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। यहाँ पे जो है आरक्षण वाइज जो है सीटों की दर्शाया गया है कि एक्स सर्विसमैन के लिए कितना परसेंट है, फीमेल के लिए कितना परसेंट, यहाँ पे जो है सीट को रिजर्व किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ बताएगा फ्रेंड्स की 1.4 वाले में कि नागरिकता एवं स्थायी निवासी के संबंध में, मतलब ये कि पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना
चाहिए, मतलब ये कि आप किसी भी राज्य से आते हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो आपकी एज की सीमा की जाएगी वो 1 अगस्त 2020 को न्यूनतम जो है 18 वर्ष और यहाँ पे मैक्सिमम जो है 33 वर्ष आपकी उम्र है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए कुछ लोगों को यहाँ पे जो है छूट भी दिया गया, आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए वेतनमान की बात करें कितना आपको सैलरी मिलेगी, तो आरक्षण जो जीडी होगा यहाँ पे देखिए इतना सैलरी दिया जाएगा, और आरक्षण जो है रेडियो के लिए जो आप आवेदन करेंगे तो इतना सैलरी आपका दिया जाएगा। अब बताया गया फ्रेंड्स परीक्षा केंद्र, तो परीक्षा केंद्र बताया गया कि अध्याय 2 में देखें, तो मैं अभी आपको ले चलूंगा परीक्षा केंद्र के ऊपर। और यहाँ पे देखिए और भी जानकारी बताई गई है कि आपका जो है न्यूनतम वर्ष अधिकतम वर्ष आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। मैं जो यहाँ पे ओवरऑल जानकारी आपको शेयर करने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको न्यूनतम शारीरिक दक्षता क्या रखी गई है, मतलब आपकी हाइट क्या होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बताया गया न्यूनतम शारीरिक दक्षता जो होनी चाहिए, यहाँ पे देखिए पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर, आरक्षण जो जीडी होगा अनारक्षित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 168 सेंटीमीटर पुरुष के लिए, महिला के लिए 155 सेंटीमीटर, और यहाँ पे देखिए पुरुष के लिए 81 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए, 86 सेंटीमीटर फुलाना, मतलब 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा आपको फुलाना चाहिए। अगर हम बात करें आरक्षण जीडी के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, तो पुरुष के लिए 166 सेंटीमीटर और महिला के लिए 155 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका हाइट होनी चाहिए तो ही आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और भी जानकारी यहाँ पे बताई गई है, देखिए यहाँ पे कुछ छूट बताया गया सामान्य जाति के लिए जो अलग यहाँ पे देख सकते हैं, आपको जो है पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं क्या होनी चाहिए, मतलब आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो यहाँ पे देखिए आरक्षक जीडी मतलब कांस्टेबल जीडी के अगर पद के लिए आप आवेदन करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा पद है 3800 से ज्यादा पद है, उसमें बताया गया 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो, मतलब ये कि अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, 10+2 प्रणाली के अंतर्गत आता है। मतलब आप सिंपल जो 10वीं क्लास आप पास है किसी भी बोर्ड से किसी भी इंस्टीट्यूट से तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है अनुसूचित जाति हेतु शैक्षणिक योग्यता, मतलब अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल रखा गया है, अगर वो केवल 8वीं तक ही पढ़ा हुआ है तो भी वो यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकता है। मतलब ये कि आपको आरक्षण जो आरक्षक जीडी मतलब कांस्टेबल जीडी पद है उस पर आपको जो है केवल 10वीं पास मांगा गया है, और अनुसूचित जाति को यहाँ पे छूट है जो कि 8वीं पास मांगा गया है। अब हम बात करें यहाँ पे रेडियो आरक्षण की, तो यहाँ पे देखिए कुछ जो है यहाँ पे 12वीं पास करने के बाद जो आपको कुछ ITI मांगा गया है, ठीक है ना। ITI जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन या तकनीकी या टेली कम्युनिकेशन में जो है आपको यहाँ पे ITI होना चाहिए तो आप जो है इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। कौन सा? जो है कांस्टेबल रेडियो के लिए। तो दोनों पद के लिए यहाँ पे मैंने बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे बताया गया फ्रेंड्स परीक्षा का योजना क्या होगा, मतलब किस प्रकार से परीक्षा ली जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया प्रथम चरण, मतलब पहले आपको जो है ऑनलाइन परीक्षा देना होगा कंप्यूटर पे, उसके बाद से आपका जो द्वितीय चरण होगा शारीरिक प्रवेक्षा परीक्षा के। तो मैं भी आपको बताऊंगा कि जो शारीरिक परीक्षा ली जाएगी वो क्या होगी, और जो आपका एग्जामिनेशन होगा रिटर्न एग्जाम जो परीक्षा कंप्यूटर पे देना है वो आपको क्या होगा। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप एक बार जरूर पढ़िएगा। देखिए पहला जो यहाँ पे प्रथम प्रश्न पत्र जो होंगे ऑनलाइन परीक्षा होगा, 2 घंटे की अवधि होगी और 100 अंक आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। अगर आप रेडियो के लिए आवेदन करते हैं तो इसमें भी आपको 2 घंटे होगी और आपको यहाँ पे 100 अंक दिए जाएंगे। अब हम बात करें फ्रेंड्स अगर आप रिटर्न एग्जाम निकाल लेते हैं उसके बाद से फ्रेंड्स आपको जो द्वितीय चरण के लिए बुलाया जाएगा जिसमें आपका जो है शारीरिक दक्षता ली जाएगी, मतलब आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। अब इसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या लिया जाएगा, तो देखिए मैं बताता हूँ कितना आपको दौड़ करना है और क्या क्या आपको शारीरिक दक्षता ली जाती है। तो अगर हम बात करें शारीरिक दक्षता की, देखिए यहाँ पे बताया गया बहुत ही हल्का होता है, यहाँ पे देखिए 800 मीटर की दौड़ करनी होती है सफल के लिए। तो अगर आप कांस्टेबल जीडी के लिए आवेदन करते हैं तो आपको 800 मीटर की दौड़ करनी है मात्र 2 मिनट 45 सेकेंड के अंदर। उसके बाद से गोला फेंकना होता है, 19 फीट आपको गोला फेंकना होता है, ये वजन होता है लगभग 7.5 kg का। यहाँ पे बताया गया 7.260 किलोग्राम का जो आपको गोला फेंकना होता है, और लंबी कूद करनी होती है लॉन्ग जंप 13 फीट का। उसके बाद से आरक्षक जीडी महिला के लिए यहाँ पे और होमगार्ड के लिए 4 मिनट में जो आपको दौड़ करनी है 800 मीटर की, और गोला फेंक में थोड़ा सा उनको भी छूट मिलेगा, और लॉन्ग जंप में उनको 10 फीट करना है। तो ये महिलाओं के लिए है। अगर कोई भूतपूर्व सैनिक है तो उसको यहाँ पे अलग कंडीशन दिया हुआ है। अगर आप आरक्षण मतलब कांस्टेबल रेडियो के लिए आवेदन करते हैं तो इसमें भी 800 मीटर है, सेम वही वाला जो है आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। तो जब आप यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट निकाल लेते हैं तो आपकी जो है स्वास्थ्य परीक्षण होता है, मतलब आपका मेडिकल होता है। मेडिकल होने के बाद से जो है चयन सूची बनाई जाती है, और सूची में आपका नाम रहता है तो आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया जाता है। तो ये था फ्रेंड्स 3 स्टेप में सिलेक्शन, सबसे पहले रिटर्न एग्जाम,
उसके बाद से आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उसके बाद से मेडिकल एग्जाम। तो ये तीन स्टेप में फ्रेंड्स जो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो एग्जाम कहाँ देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अभी बताऊंगा कहाँ पे आपको एग्जाम देना होगा। जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो आपको एमपी में देना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आवेदन पत्र भरने की समय अवधि। देखिए यहाँ पे मात्र जो आपको 15 दिन का समय मिलेगा। यहाँ पे आप फॉर्म फिलअप करेंगे 31/12/2020 से लेकर 14 जनवरी 2021 तक आप फॉर्म फिलअप करेंगे। मात्र 15 दिन का कार्य दिवस में आपको फॉर्म को फिलअप कर लेनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन में संशोधन, अगर आपको कोई त्रुटि हो जाता है तो आप उसका संशोधन भी कर सकते हैं। यानी आपको जो है 19 जनवरी 2021 तक मतलब 15 से लेकर आपको जो है 4 दिन का और एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। अगर आप संशोधन करना चाहते हैं तो संशोधन कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान देना है कि एमपी पुलिस में जो है आपको संशोधन करने की भी व्यवस्था है, आप संशोधन भी कर सकते हैं। तो 4 दिन मतलब आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा संशोधन करने के लिए। अब यहाँ पे बात करें परीक्षा शुल्क, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। यहाँ पे एग्जाम सेंटर की बात करें, देखिए परीक्षा का जो केंद्र होगा यहाँ पे जो एमपी में जितने जो मेजर सिटीज है वहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि यहाँ पे 16 मेजर सिटी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहीं पे कहीं आपको जो है परीक्षा सेंटर पे जाना पड़ेगा। तो यहीं पे आपका जो है एग्जाम होगे। और रही बात फिजिकल की, तो फिजिकल के लिए अलग से जो है व्यवस्था की जाती है। तो उसका जो अलग से या तो भोपाल या तो इंदौर यहाँ पे आपको फिजिकल लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है। मैं जो है एक पार्टिकुलर वीडियो लाने वाला हूँ 31 तारीख को, किस प्रकार से फॉर्म को फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं उस दिन लाऊंगा वीडियो ताकि आपको जो फॉर्म फिलअप करने में कोई मिस्टेक ना हो। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, 31 तारीख को लाइव हो जाएगा जैसे इसका फॉर्म लाइव हो जाता है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो आप नोटिफिकेशन एक बार जरूर पड़ेगा, हिंदी में बताई गई है, सारी इन्फॉर्मेशन बताई गई है। यहाँ पे जो सिलेबस के ऊपर वीडियो पाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं जो पार्टिकुलर एक अलग से सिलेबस और किस प्रकार से तैयारी करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जाम की भी तिथि घोषित हो चुकी है, मार्च में भी आपका इसका एग्जाम हो जाएगा। तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सिलेबस के ऊपर और किस प्रकार से तैयारी करनी है, रणनीति क्या होनी चाहिए तैयारी करने का। मैं जो है अलग से इसका वीडियो लेकर जरूर आऊंगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीएसएलवी फॉरएवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।